सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। हम सब यहां बैठे हुए हैं एक बार फिर अशोक चांदना को मौका दे दो। बहुत बढ़िया, बात सुन लो, जिससे तुम्हारी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं आए। एक मौका अशोक चांदना को दे दो कि हमारे बीच में आके हमको ये सुना जाए कि आखिर तुमने किया क्या है। आप सब तसल्ली से बैठ जाओ, बात नहीं करें, बैठ जाओ, फालतू नहीं करें। युवाओं में बहुत आक्रोश, बैकलॉग इन्होंने दिया नहीं है, इससे बहुत आक्रोश। नर्सिंग भर्ती, रीट भर्ती कुछ नहीं दी, इस पर बहुत आक्रोश। रीट में एक लेवल दे दी, दूसरी लेवल वन दी, लेवल टू नहीं दी, इससे बहुत आक्रोश है। 25,000 नौकरियां अटकी पड़ी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये लोग हैं, जीते जागते इंसान हैं, कोई नंबर नहीं है, इनके परिवार हैं। इनका दुख दर्द हमें देखना चाहिए और इनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। सर की क्या क्या मांग? हमने परसों अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हम किसी भी तरह की सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे, और वार्ता करेंगे तो हम सार्वजनिक रूप से करेंगे। वार्ता करते करते थक चुके हैं। जब चार बार माननीय कर्नल साहब मुख्यमंत्री महोदय से आमने सामने हो गए और जब भी नहीं हुआ, और वार्ता के नाम पर आप देखो कि सरकार ने हमें ही गुजरों में दो फाड़ की स्थिति बना रखी है, लेकिन हमें कोई दो फाड़ नहीं है। हम सब अपने आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट हैं, कोई दूसरा नहीं है। समझौता की बात मैंने आपको ये बताई दी कि कर्नल साहब ने ये कहा कि हम कहीं कोई वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। कर्नल साहब का फैसला ही सर्वमान्य होगा। कर्नल साहब जो कि थोड़ी देर में आ रहे हैं और सभी को संबोधन करेंगे, और उसका अभी तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई मसौदा भी नहीं आया है। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें।